हिंदी भाषा में उदंत मार्टन के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 में निकाला गया था, इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित चिकल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था। इसके प्रकाशक और संपादक विवेक खुद थे। इस तरह हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल का हिंदी पत्रकारिता के जगत में विशेष सम्मान है। जुगल किशोर शुक्ल वकील भी थे और कानपुर में रहने वाले थे, लेकिन उस समय औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत में उन्होंने कलकत्ता को अपनी कर्मस्थली बनाया। परतंत्र भारत में हिंदुस्तानियों ने हक की बात करना बहुत बड़ी चुनौती बन गया था, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से बड़ा बाजार इलाके में अमर तल्ला लेन कोलू टोला से साप्ताहिक उदंत मार्टन का प्रकाशन शुरू किया। यह साप्ताहिक अखबार हर हफ्ते मंगलवार को पाठकों तक पहुंचता था। परतंत्र भारत की राजधानी कलकत्ता में अंग्रेजी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बाद बंगला और उर्दू का प्रभाव था, इसलिए उस समय अंग्रेजी, बंगला और फारसी में कई समाचार पत्र निकलते थे। हिंदी भाषा का एक भी समाचार पत्र मौजूद नहीं था। हाँ, यह जरूर है कि 1818 से 1819 में कलकत्ता स्कूल बुक में बंगाल समाचार पत्र, समाचार दर्पण के कुछ हिस्से हिंदी में भी होते थे। हालांकि उदंत मार्टन एक साप्ताहिक साहसिक प्रयोग था, लेकिन पैसों के अभाव में यह एक साल भी नहीं प्रकाशित हो पाया। एक साप्ताहिक समाचार पत्र के पहले अंक की 500 प्रतियां छपी। हिंदी भाषी पाठकों की कमी की वजह से उसे ज़्यादा पाठक नहीं मिल सके। दूसरी बात यह है कि हिंदी भाषी राज्यों से दूर होने के कारण उन्हें समाचार पत्र डाक द्वारा भेजना पड़ता था। डाक दरें बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसे हिंदी भाषी राज्यों में भेजना आर्थिक रूप से महंगा सौदा हो गया था। पंडित जुगल किशोर ने सरकार से बहुत अनुरोध किया कि वे डाक दरों में कुछ रियायत दें, जिससे हिंदी भाषी प्रदेशों में पाठकों तक समाचार पत्र भेजा जा सके, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। अलबत्ता किसी भी सरकारी विभाग ने उदंत मार्टन की एक भी प्रति खरीदने पर रजामंदी नहीं दी। पैसों की तंगी की वजह से उदंत मार्टन का प्रकाशन बहुत दिनों तक नहीं हो सका और आखिरकार 4 दिसंबर 1826 को इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। आज का दौर बिल्कुल बदल चुका है। पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा आर्थिक निवेश हुआ है और इसे उद्योग का दर्जा हासिल हो चुका है। हिंदी के पाठकों की संख्या बढ़ी है और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। सर्वोदय टीवी, ब्यूरो रिपोर्ट।